सेकेंडरी स्कूल ध्राण भी बाढ़ की चपेट में आने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण आज से स्कूल खुलते ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई। स्कूल भवन के पूरी तरह से तहस नहस हो जाने के कारण यहां शिक्षकों के बैठने के लिए भी जगह नहीं बच पाई है। अब स्कूल प्रबंधन ने ग्रहण के साथ लगते सुम्मा गाँव की चंद्रमणि और परमदेव के घर पर भवन किराए पर लिया है। स्कूल प्रधानाचार्य रीनू शर्मा ने बताया है कि किराए पर लिए भवनों में बच्चों के बैठने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। व्यवस्थाएं होते ही स्कूल में कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। तो हमें SMC का और गांव ग्राम पंचायत जो है उसका पूरा सहयोग मिला, और ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव के माध्यम से ये तय हुआ कि अस्थाई तौर के ऊपर सुमा नामक उपगांव में अस्थाई व्यवस्था जो है बच्चों की बैठने की जाएगी, जिसके अंतर्गत इन्होंने दो बिल्डिंग्स जो हैं वो किराए के लिए दी हैं, जिसमें लगभग 8 कमरे और 2 हॉल हैं और एक किचन का शेड है, 4 टॉयलेट्स हैं। इसके साथ के साथ प्लेग्राउंड के लिए दो खेत जो है उनके द्वारा जो है वो दिए जा रहे हैं। अब 2-4 दिनों में जैसे ही थोड़ा बैठने की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं हम वहां पर शुरू कर पाएंगे। वहीं SMC प्रधान बीरी सिंह ने बताया है कि बाढ़ के कारण ग्रहण स्कूल को 1,60,00,000 का नुकसान हुआ है। इसमें 8 कमरों की 2 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से धराशाही हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने सरकार से स्कूल में नए भवन को सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द बनाने की गुहार लगाई है। 9/7/2023 को ब्यास नदी के बहाव से बढ़ने के कारण हमारा स्कूल बुरी तरह से बह चुका है। अब इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। मैं सरकार से उम्मीद रखता हूं कि इस स्कूल को अब सुरक्षित जगह पर ले जाएं। मैं स्कूल संचालक के लिए अपने घर के कमरे किराए पर देने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग परमदेव ने अपनी निजी भूमि को स्कूल भवन बनाने के लिए दान में देने का ऐलान कर दिया है। परमदेव ने बताया है कि उन्होंने गांव वालों की मांग पर और बच्चों की सुविधा अपनी जमीन दान में देने का निर्णय लिया है। और आपने स्कूल को जमीन भी कुछ दान में दी है जी? हाँ जी, 1.5 बीघा। 1.5 बीघा स्कूल के लिए दान। कितनी जमीन दी दान? 1.5 बीघा जी। 1.5 बीघा, 1 बीघा 10-20 सू है। 10-20 सू। ये किसने बोला आपको दान देने के लिए? मुझे ऐसे आया, बोले पर सब लोग आ गए। सब लोग आए? हाँ, पंचायत वाले लोग भी आए, पंचायत वाला भी आए, सारे आए। मतलब तू दे, तेरे पास है? हाँ। बड़ी मुश्किल है स्कूल के लिए। ठीक है, तो मैं बोलते चलो ठीक है। आपने सब स्कूली बच्चों के लिए सोचा? हाँ जी, हाँ जी। कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से दिया? मर्जी से, कोई नहीं, कोई अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन कितनी होनी आईडी होंगी? 20-25 बीघे। 20-25 बीघे जमीन है? हाँ जी। तो 1.5 बीघे दे दिया अपने स्कूल में दान के लिए। दान के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kesri।